याद कर रहे हैं हमारे मेन स्पीकर्स मान्यवर पारसनाथ मौर्य जी और भंती जी को सुनने के लिए। हम जिसने भैरों को कहा उनको जपा नारी को सम्मान देश को समता न्याय दया करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान गांधी को प्राण दान इस भरती हुई भारत को जिस
बात पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उसको बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि एक तरफा बात केवल उत्तर प्रदेश की बढ़ाई की तरफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि आज उस कारवां को जिसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाके सफलता के साथ कर दिया, जिसको आगे बढ़ाने का काम मानव काशीराम जी ने किया, आज बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की धरती पर उसको धरती पर वाकई में बुद्ध में बनाते हुए, धरती को उतारते हुए आज मतलब जिसका सम्मान किया गया है, जिस पूज्य बनते चंद्रमा जी का, ये अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान बना करके इतना बड़ा बुद्ध विहार, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा बुद्ध विहार और शांति को उधा करके वहां आपको स्थापित कर दिया, बना दिया है, ताकि इस देश में अब ये बुद्ध की संस्था आगे बढ़े और पूरे देश को बुद्धमय बनाने का काम करते हुए पूरे दुनिया पर अपना वो झंडा बुलंद करके सम्राट अशोक का जमाना दिखाना पड़ेगा कि देखो हम कहां से कहां आ गए। अब कुछ करने सुनने की जरूरत नहीं है, अब ये कहें कि आप आगे आगे तो बढ़ाते नहीं, आगे नहीं बढ़ाते, आगे नहीं बढ़ाते, लोग करते नहीं है, करना चाहिए, करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, अब कुछ रह नहीं गया। सही माने में अगर कहिए तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब कुछ कर दिया, बुद्धमय भारत बना दिया। आपको बनाना नहीं है, अब थोड़ा आपको देहात में ले चल के वहां की बात मैं बता रहा हूं। अगर आप देहात की तरफ से आए होंगे तो आप भूमिहीन थे, आपके पास खेत खलिहान नहीं था, आप सोचते रहे होंगे, आपके पिताजी सोचते रहे होंगे, दादाजी सोचते रहे होंगे कि हमारे पास खेत होता तो हम भी खेती करते, तो हर तरह का फल फूल साग सब्जी अन्न पैदा करके हम खुद खाते और दूसरे को खिलाते तो हम संपन्न माने जाते, सुखमय जीवन व्यतीत करते, ये सोचते रहे। लेकिन जब पिताजी ने खेत खरीद करके रख ही दिया है, खेत पैदा कर दिया, और आज भी आप कहो कि मेरे पास खेत नहीं है, खेत नहीं है, खेत नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब कुछ कर दिया। मैं इसको बहुत मिनिमाइज करके ये बात बता देना चाहता हूं, भारतीय संविधान बुद्धमय भारत बनाने का बहुत बड़ा ग्रंथ है, और ये संविधान नहीं, ये तो इसी को एक मानिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, न किसी को कोसने की जरूरत, इसलिए कि किसी पर चर्चा करेंगे तो हमारा समय उस चर्चा में जाया चला जाएगा, उसके लिए यत्न करने में प्रयत्न करने में हर तरह से हमारा ही नुकसान होगा। उतने समय क्या मामला है भाई, ओवरलोडिंग हो रहा है क्या है, अब आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं,
किसका धर्म कैसा है, किसका धर्म कैसा है, किसका धर्म कैसा है, कौन पीड़ा पहुंचा रहा है, कौन, अरे हम क्यों पीड़ा सह रहे हैं? जब हम कह रहे हैं दुनिया में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, निवारण उसका उपाय है, तो उसको कर क्यों नहीं रहे? जैसे हमारे साथी स्वरूप जी हैं, कहते कम हैं, करते ज्यादा हैं। कहिए मत, खुद करिए, विद्वता मत छाड़िए। आप आचरण को उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, इस पर माने रखता है। जब आचरण में नहीं उतारेंगे, उधर जैसे हमारे बड़े निकटतम हैं, हमारी जिले के बिट्टी से बहुत सीधा संबंध है शैलेंद्र प्रताप सिंह का, इन्होंने हर बार बात वो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारी जौनपुर की माटी का आर पार जो मैं हर जगह करता हूँ, आर पार कर दिया, लेकिन शैलेंद्र प्रताप सिंह ही करेंगे। जब यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के प्रकाश से पूरे देश को प्रकाशित कर दिया, उजाला हो गया, जब उजाला हो गया है तो हर चीज अब दिखाई पड़ने लगी। दिखाई पड़ रही कि नहीं पड़ रही? आज महसूस आप कर रहे हैं कि हमें अब सताया जा रहा है, नहीं तो आप कहते थे मेरे तकदीर में लिखा था। लाल खाना मेरे तकदीर में लिखा है, क्या करें, पैदा हो गए हैं लाल। अरे अब दिखाई पड़ रहा है, जगत का स्रोत भी है। क्यों सह रहे, क्यों सह रहे? लेकिन सह इसलिए रहे हो, अभी इसलिए महसूस कर रहे हो कि इधर भी उधर भी। आपको मैं टोटली कंफ्यूज कर दूं, पूरे देश को कंफ्यूज कर दूं, दलितता से आप कंफ्यूज हैं कि नहीं है ये मैं देखूंगा। इसलिए कि आप तो देख ली, क्या देख ली? अरे जो उस व्यवस्था में था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी व्यवस्था किसी धर्म का नाम के नाम देने से मामला नहीं बनता, अब तो काम करने से मामला बनेगा, चलने से मामला बनेगा। अब तो बुद्ध का वचन है, जब भी कभी कार्यक्रम भोजन हिता है, भोजन चुका है लोकानुकंपा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे उत्तर प्रदेश में मारुती जी ने तो सर्जम सुखाए कह दिया। कुछ लोग जो हमारे नादान लोग जो कि पढ़े नहीं, वो लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाए को सर्जन हिताय कह दिया। अरे वो तो अपने आप समझ लेना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, आगे चल के लोकानुकंपा है। लोकानुकंपा मीन्स सर्जन हिता है, सर्जन चुका है, हुआ कि नहीं हुआ? अब बहुजन हिता है बहुजन सुखाए भी सर्वजन हिता है सर्वजन सुखाए है, बहुजन हिता है बहुजन सुखाए है क्या? बहुत ठीक। जब गांव की गलियों में गांव के खेतों के साथ इलोज करते हुए जीवन बिताने वाले समाज के लोगों को जिंदगी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे
शहरों में भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा गंभीर समाज। एक किसी परिवार में चार छह बच्चे हो और चार छह बच्चे एक उम्र के हो, अभी चलते भी नहीं पूरे जोर से, अभी वैसे बैठे बैठे चलते हैं, ग्रुप ग्रुप चलते हैं, भगवान जिसको कहते हैं उससे चलते हैं, लेकिन जब उनको खिला पिला करके सबकी माए एक जगह बैठा देंगी, एक तरह का खिलौना थमा देंगी, एक रंग की सबको एक एक हाथियां थमा दी, उसमें घुंघरू लगा हुआ ताकि बचता रहे और खेलते रहे बच्चे। लेकिन उन चार छह बच्चों में एक बच्चा ऐसा निकलेगा जो अपना से घर दबाएगा और दूसरों का सीट करके मतलब खेलेगा, दूसरे सब रोने लगते हैं। देख दिखाया तभी कि नहीं देखा, दूसरे सभी बच्चे रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तब गार्जियन वहां से आता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बच्चे बारी क्यों रो रहे। आया देखा कि एक जो है वो सब ले लिया है सबका खिलौना, इसलिए सब रो रहे हैं, वो अकेले हंस रहा है। तो वो फिर पहली बार आके समझाता है, देखो बेटा वो तुम्हारा भैया है, वो भी तुम्हारा भैया है, वो भी तुम्हारा भैया है, वो तुम्हारी बहनी है, ये सबको खेल ले तो सबके साथ खेलो, फिर गार्जियन चला जाएगा। ताकि एक आदमी ना अगर कोई अपराध कर रहा है, दूसरे को सता रहा है, तो उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दो, जेल सुधार गृह है, वहां खाना खिलाया जाता है, वहां रहने का साधन है, वहां नहाने खिलाने का सब साधन रहता है। ये नहीं है कि उसको तुरंत मतलब पकड़ने के बाद ही उसका हाथ काट दो, उसकी हत्या कर दो, ये नहीं, ये संविधान है, बहुजन गीता है, बहुजन सुखाए। तो बहुजन सुखाए जो हो गया तो बहुजन सुखाए भी सौजन सुखाए हुआ कि नहीं हुआ, ये समझने की जरूरत। वैसे शैलेंद्र प्रताप सिंह जी ने आपने मतलब जो है हमको बड़ा भरोसा दे दिया कि नहीं आप जगा सकते हो, वहां भी जहां से कहीं थोड़ा सा कीड़ा पहुंचाई जाती है। अब आप क्यों जाग गए हैं, इसलिए कि आपकी आंखें खुल गई है और प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। अब आप जान गए हो कि एक तरफ तो लिखा गया 6 वर्ष तक कुत्ता दिए, 12 वर्ष तक दिए सिया, 18 वर्ष तक ठाकुर दिए, एक ऊपर है टीका। 18 साल से आप जाना जी रहे हैं, तो अब उसमें नहीं रह गए, अब तो इसमें आ गए। जो उसमें नहीं है वो इसमें है, आर पार हो गया। वैचारिक तरीके से आर पार हो गया कि नहीं हो गया, पहले तो हो गया ना। इसलिए मैं सभी अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मित्रों आर पार कर लो, कंफ्यूज मत रहो। कंफ्यूजन की जिंदगी गुलामी की जिंदगी होती है, कंफ्यूजन की जिंदगी इंसान की जिंदगी नहीं होती। और कंफ्यूज रहोगे बौद्ध रहो कि हिंदू रहो, बौद्ध रहो कि हिंदू रहो, अरे बहू तो शिड्यूल का जमा बिरादरी पैदा हुआ यू है, तो हम ये बुद्ध बुद्ध चल रहा है, वो भले भले राम राम चिल्ला रहा है, तो वो भी तो अपना, वो भी अपना, दिमाग साफ करो। कानून बना है अपराधियों को पकड़ने का, अब तुम कहोगे हम हूं अपराधी, वो अपराधी, हम अपराधी, वो अपराधी, कभी शांति स्वरूप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए नहीं
एक तरफ मोदी बाबा साहब बाबा साहब और दूसरी तरफ जब साहब करौली माई करौली माई एक तरफ सावित्री बाई खुले प्रथम वो शिक्षिका इस देश की भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई खुले अरे और शैलेंद्र प्रताप सिंह घर जाए और उसके बाद वहाँ सरस्वती माई रस्तों की साफ कंफ्यूजन की जिंदगी नहीं जीना चाहिए और केवल शेड्यूल का शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है पूरे भारतीयों के लिए है। गुलाम था पूरा भारत गुलाम था केवल शेड्यूल का गुलाम नहीं था जिसे अछूत कहा गया वही गुलाम नहीं था सबके सब गुलाम थे। इंडियन एंड दास सारना देलाउन लिखा जाता सबके लिए लिखा जाता किसी एक के लिए नहीं कोई कह दे कि हम इंडियन नहीं थे भले ब्राह्मणवाद का शिकार ब्राह्मण घर पैदा हुआ आदमी भले कहता हो कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं लेकिन सर्वश्रेष्ठ और गुलामों में सर्वश्रेष्ठ नंबर एक के और शैलेंद्र जी तो जेल देखे होंगे जेल में हम तो बहुत जेल रहे हैं लड़ते जब नंबरदार होते हैं जेलों में से ही पीला कपड़ा पहना के नंबरदार बना दिया ये बड़ा है वो रात भर पकड़ा देता रहता एक दुई दस पंद्रह सोलह 50 51 101 102 300 304 सही है एक नंबर में रहा वो अपना पता देखता कि हमारे यहाँ का सब गुलाम ठीक है वो यहाँ का पहला गुलाम ब्राह्मण दूसरे नंबर का गुलाम ठाकुर वो नंबरदार सब भले हैं से हर जातियों के नंबर था हर जातियों का सब के सब गुलाम जाति व्यवस्था गुलामों की व्यवस्था अस्पष्ट है सब गुलाम थे इंडियन एंड दास सरना देराउल अस्पष्ट था इसलिए रस्तोगी साहब आप तो बैकवर्ड के सुना जाते हैं उनको कहीं कहीं तो प्रजा में रखे जाते थे तो एकदम मन मस्तिष्क बिल्कुल साफ लगा करके डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए चिंतन किया कोई ये नहीं कैसा दलित कैसा परदलित इंसान की औलाद हो सब इंसान हो तो इंसान बन के रहने की जरूरत है और कंफ्यूजन की जिंदगी बंद कर अगर उधर रहोगे तो इधर के लिए लालायित रहोगे लेना इधर से चाहते हो और मार खाना उधर चाहते तो वही होता है इधर जाओ बराबर कहते रहो इधर जाओ पढ़े लिखे लोगों में बहुत जाने असीमित विचार अथाह है विचार संसार सागर है और जो संविधान बनाए हैं संविधान की धाराएं चली है तो वो समूचे विश्व पर लागू होता है
आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इसीलिए संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धारा 51 दे दिया है विश्व स्तरीय संसद बनाने का। अगर ये इधर नहीं रह जाते, सीमित रह जाते, तो जो लोग खाली दलित 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 कब तक दलित बनके रहो? जब बाबा साहब ने तुम्हें इंसानियत इंसाफ मसावात की मुख्य धारा में लाके खड़ा कर दिया, तब काहे चाहे झुक रहे? इधर जाओ उधर जाओ, उधर जाएंगे तो मोहनदर बाबा हमारा हमको पास करा देंगे। कंफ्यूजन में अब कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, जहां से आ रहे उधर आओ, नहीं तो वही हालत होगा। जैसे हम लोग रात में दौड़े को जाना निकलते रहते हैं, तो जब रास्ते में चलते हैं तो गाड़ियों के सामने जानवर इस पार उस पार होते रहते हैं, तो कुछ जानवर तो बड़े तेजी से भाग जाते हैं, उस पार हो जाते हैं, कुछ दम से उड़ जाते हैं। अब कुछ जानवर ऐसे रहते हैं जो गाड़ियों की वो रोशनी के सामने आगे शांति स्वरूप की और कहती है बेचा तो इधर जाओ ना उधर जाओ, मर जाओगे मर जाओगे। कभी भी मतलब जो है कंफ्यूजन की जिंदगी मत जियो। या तो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब कहां चल रहा है? अब तो जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए हो गया कि नहीं हो गया? अब तो सबको वोट देने का बराबर अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? कहां छोट बड़ा रह गया? अरे अगर रस्सी जल रही है, आइछन है, तो क्यों नहीं हवा फूंक देते? वो रस्सी है, रस्सी नहीं शांत है, सलाह खाते रहो फिर अपने आप। ये मैं कहीं कहीं बहुत अच्छा बोलता हूं भाई, आप लोग जो है अरे भाई ऐसा है, मैं इसलिए कह देता हूँ कि कुछ कड़वी बात हमारी हो जाती है, और कड़वी बात ही जो आती है हमारी कुछ गलती में है। मेरे बाप दादा मिर्चा पैदा करते थे, अगर अगर मुझे मिर्चे बना कर पैदा करते तो मेरी कोई गलती नहीं। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है उस माँ बाप का पैर नहीं छूते। कितने लोग छूते हैं माँ बाप? एक आध कोई होगा, एक से तो नकली माई बाप का पैर छूने जाऊंगा। माँ बाप बोले वो माँ बाप का सेवा नहीं कर सकते? माता पिता की सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म हुआ है ना? आगे भी कोई धर्म होने वाला है? इसलिए जो असली अपने माँ बाप से पैदा हुई है, जो लोग भी सुन रहे हैं, किसी को अलग अलग अगल बगल करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन नहीं, जो लोग अपने माँ बाप से पैदा हुई है उन्हें मैं आज कह दे रहा हूं कि अपने ही माँ बाप का पैर छो, अपने माँ बाप का सेवा करो। कहीं पूजा करने का मन हो तो अपने माँ बाप का फोटो अपने घरों में टांग के रखो। अब उन्हीं का याद कर लिया करो, उन्हीं पूजा कर लिया करो, और देख लेना वो माँ बाप, वो बूढ़े माँ बाप और अगल बगल जो और बूढ़े लोग होंगे सबके सब इतना हृदय से आशीर्वाद देंगे कि उस आशीर्वाद की ताकत के मुकाबले में दुनिया में कोई भी ताकत आपके सामने टिक नहीं पाए। गरीब भाई बाप के ना
चलेगा लड्डू पेड़ा, लेकिन नारियल चूड़ी लेके माला फूल लेकर के काली माई गोरी माई या कैसी माई काली माई पता कदा बाप के यहाँ चले जाओ, उधर से सर्व खाओ। ये सब ये नहीं होना चाहिए। असली हो तो असली माँ बाप, असली बड़ा भाई उसी का पैर छू, उसी का सम्मान करो। जो असली माँ बाप का सम्मान फोटो खिंचवा के रखोगे अपने घर में, तो असली महापुरुष तो सीधे सीधे भगवान बुद्ध नजर आएंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नजर आएंगे, तो नारायण गुरु नजर आएंगे, तो साहू जी महाराज नजर आएंगे, तब ज्योतिबा फुले नजर आएंगे, तब साहू जी महाराज फुले नजर आएंगे, तब सारे कबीर नजर आएंगे, तो संत रविदास नजर आएंगे, तो हाल के मंदिर काशी राम नजर आएंगे, तो सब के सब जितने महापुरुष होंगे, तो चंदू मौर्या नजर आएंगे, सम्राट अशोक नजर आएंगे, तो सब के सब असली को तब असली नजर आने लगेंगे। पहले अपने घर में असली बन जाओ। ये सुनिए, नकली छोड़ो असली अख्तियार करो। कोई भी नकली की तरफ जाएगा तो नकली का औलाद होगा, असली का औलाद नहीं होगा। है बहुत कड़ी बात का। अपने बाप को बाप कहो, अपनी माँ को माँ कहो, दूसरे के बाप को बाप कहोगे तो कितना तुम्हें आशीर्वाद देगा। नकली माँ बाप पथरैया माँ बाप से तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला है, सब नहीं खाते। असली माँ बाप करो तो आशीर्वाद हरदम देने करेगा। जब वो शहीद वीर उधम सिंह को इतना बड़ा काम करने के लिए दे दिया माँ ने, माँ के चरणों में दे दिया, तो तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन असली करोगे तब असली बेटा, नकली से कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आज मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको यहीं छोड़ दो।